नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में सुविधाओं और सौंदर्यकरण को लेकर कार्य चला हुआ है। डिविजनल मैनेजर शिमला की टीम नाहन पहुंची और निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। बस स्टैंड में पार्किंग को ठीक करने के साथ नालियों और ड्रेनेज को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग के तकनीकी अधिकारी मदन लाल ने बताया कि जल्दी नाहन बस स्टैंड को सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाएगा और इसका सौंदर्यकरण भी किया जाएगा। तकनीकी अधिकारी मदन लाल ने बताया कि नाहन बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया है और यहां पर पार्किंग सुविधा को बेहतर करने के साथ साथ यहां की ड्रेनेज को भी व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा बस स्टैंड में सौंदर्यकरण को लेकर भी कार्य किए जाएंगे। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। थोड़ा सा जब काम किया था तो उसमें थोड़े से कुछ टाइलें डैमेज हो चुकी थी, तो उसको हम रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो ही चुकी है। तो बाकी तो इसको पार्किंग ऑप्शन के लिए लगाएंगे, अभी तो खुद ही कर रहे हैं ये आरएम साहब यहाँ पे, तो उसके बाद ऑप्शन करके जो है इसको ऑप्शन पे लगाएंगे। चला हुई ये काम सारा आप देख ही रहे, पहले पार्क था वो थोड़ा सा अब शॉर्ट कर दिया क्योंकि यहाँ बसों की पार्किंग की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से ये। बाकी दूसरी तरफ को जो पेट्रोल पंप की तरफ को है वहाँ पे वो ड्रेन का है थोड़ा सा इशू, तो वो उसके लिए हम एस्टीमेट सेंक्शन कर देंगे, तो इसका नेक्स्ट मंथ जो है टेंडर लगा के कार्य आरम्भ कर देंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।